नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। रम्या रामायणी कथा आपको सुना रहा हूं। तारा को विलाप करते करते पृथ्वी पे गिरा हुआ देख करके जब तारा मूर्छित हो जाती है तो उसको हनुमान जी आकर के होश में लाते हैं। ततो निपतिताम ताराम चितम ताराम इवांबरात सनई आश्वास्यामास हनुमान हरियुतपा। तब हनुमान जो है वहां आकर के उसको समझाते हैं, गुण दोष कृतम जंतु स्वकर्म फल हेतुकम। भाई संसार की रीत है कि व्यक्ति जो भी गुण दोष युक्त कार्य कर्म किया करता है उसका फल उसको भोगना पड़ता है। अव्यग्र तदवाप्नोति सर्वम प्रेत्य शुभाशुभम, जो भी शुभ अशुभ अच्छे बुरे फल हैं वो उसको अवश्य ही प्राप्त होते हैं। तो जो सोचने योग्य होता है उसका तो सोच करना चाहिए, लेकिन जो सोचने योग्य नहीं उसका सोच नहीं करना चाहिए। इस शरीर ने जो कर्म किए थे उसका फल वाली के शरीर को मिला है। यहाँ एक तरीके से गीता का ज्ञान थोड़ा सा छोटा सा छोटे से रूप में हनुमान ने तारा को समझाने की कोशिश की है। और फिर तारा थोड़ी आश्वस्त होती है तो हनुमान उसके उसको और अधिक आश्वस्त करते हुए तारा से ये कहते हैं कि तुम जाओ। अंगदस्तु कुमारोयम दृष्टव्यो जीव पुत्रया अयात्याम चा विधेयानी सामर्थ्यान्यस्य चिंतय। अरे भाई, तुम्हारे पास ये कुमार राजकुमार अंगद हैं और तुम्हें इसका ख्याल करना चाहिए, तुम्हें इसका ध्यान रखना चाहिए। जो मर गया उस पति का आपको शोक मोह नहीं करना चाहिए। इतना कहकर के हनुमान तारा से ये कहते हैं कि आपके पति की मृत्यु हो गई है, आप जाइए और अंगद को राज्याभिषेक करके किष्किंधा का राजा बनाइए, और अंगद को राजा बना करके आप फिर से इस किष्किंधा के राज्य का उपभोग कीजिए। हनुमान ने तारा को बहुत कुछ समझाया, लेकिन तारा जो कहती है वो बड़ा ही सुनने योग्य है। अंगद प्रतिरूपाणाम पुत्राणाम एकतः शतम। ये मेरा जैसा बेटा अंगद है ना, इसके जैसे 100 पुत्र हो ना तो उनको भी हतस्याप्यस्य वीरस्य गात्र संश्लेषणम वरम। उनके साथ रहने की अपेक्षा मैं इस महान वीर योद्धा अपने पति के मृत शरीर के आलिंगन में भी रहना अधिक पसंद करूंगी। देखिए, राजनीति जो है ना वो बड़ी ही समझदारी का विषय है। वाली ने मरते मरते अंगद की जवाबदारी राम को सौंपी, मृत्युशैया पे पड़ा हुआ है। उसने राम से स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि आप धर्म के पालक हैं तो मेरे पुत्र की रक्षा की जवाबदारी आपकी है। अब जरा तारा की राजनीति देखते हैं। तारा ये कहते हैं, न चाहम हरिराजस्य प्रभवाम अंगदस्य वा पितृभ्यस्य तस्य सुग्रीवा सर्व कार्ये स्वंतरम। भाई न तो मैं अपने इन वानर राज यानी कि वाली का अंतिम संस्कार करूंगी, न मेरा पुत्र कोई संस्कार करेगा। ये जो कुछ भी करना है अब पितृव्य जो पिता तुल्य सुग्रीव हैं, अंगद के पिता तुल्य सुग्रीव हैं, वो जो कुछ आज्ञा देंगे उसी प्रकार से अंगद अब सारी क्रियाकलाप करेगा। यानी मेरा पुत्र जो है उसका अब कोई अधिकार नहीं है। इस राज्य पे सुग्रीव का अधिकार है, और सुग्रीव अगर कहेंगे कि अंतिम संस्कार किया जाए तो किया जाएगा, और सुग्रीव को अगर अंतिम संस्कार करना बालिका योग्य नहीं लगता है तो भले ये यहीं पड़ा रहेगा। इस प्रकार से तारा हनुमान से कहते हुए आगे कहती है, न हेषा बुद्धिरास्थेया हनुमन अंगदम प्रति पिता ही बंधु पुत्रस्य ना माता हरि सत्तमा। आपने जो ये कहा कि अंगद को सिंहासन पे बिठा दो, उसका राज्याभिषेक कर दो, बिल्कुल नहीं। ये बात तो आप मन से बिल्कुल निकाल दो, इस बात की तो आप कल्पना भी नहीं करना। क्योंकि पुत्र का जो बंधु होता है, पिता ही बंधु पुत्रस्य ना माता हरिशत्तमा, माता कभी उसकी बंधु उसकी मित्र नहीं होती है। पुत्र का मित्र जो है उसका पिता होता है। और यहां पे अब वाली की अनुपस्थिति में सुग्रीव उसके पिता तुल्य हैं, और अब जो भी सुग्रीव कहेंगे वही होगा। इस प्रकार से जैसे कि वाली की मृत्यु के बाद अंगद की जो चिंता है वो सारी चिंता सुग्रीव के सिर पे कि
कि जो सुग्रीव अब निर्णय करेंगे वही होगा, इस प्रकार से दारा ने कह दिया है। तभी वानरराज बाली जो अभी तक मूर्छित प्राय है, अपने प्राणों को सारी शक्ति को समेट करके, तारा वहां है, अंगद वहां है, सुग्रीव को पास में बुला करके कहता है, सुग्रीव दोषेण न माम गंतुमर्रसि किल विषा कृष्यमाणं भविष्येण बुद्धि मोहेन माम बलात्। हे भाई सुग्रीव, तुम मुझे दोषी मत मानना, मैंने जो कुछ तुम्हारे साथ व्यवहार किया है ये एक विधि का विधान, एक लिखी हुई, यह मेरे भविष्य इसी प्रकार का था, इस प्रकार से ये व्यवहार मैंने किया है। युगपद विहितम तात न मन्ये सुखमावयोः सौहार्द्रम भ्रातृयुक्तम ही तदिदम तात नान्यथा। भाई हमारे दोनों के भाग्य में एक साथ कभी सुख लिखा ही नहीं था, यानी या तो तुम किष्किंधा के राजा रहे, तुम मैं वहां मायावी राक्षस की गुफा में बना रहा, और जब मैं वापस आया तो मैंने तुम्हें निकाल दिया। हमारे बीच में जो भाइयों वाला ये सौहार्द रहे भ्रातृयुक्तम ही तदिदम तात नान्य था, ये कभी भी सफल ही नहीं हो पाया, और इस वजह से जो कुछ हुआ, प्रतिपद्य तम अद्यैव राज्य में शाम बनोगशाम, आज ही तुम इस संपूर्ण राज्य को प्राप्त कर लो। अभी वाली मरा नहीं, जिंदा है, और अपनी उपस्थिति में वो कह रहा है जीते जी। देखिए राजा की मृत्यु के बाद की बात अलग है, लेकिन राजा जीते जी सामने ये बात कह रहा है, माम अपि अद्यैव गच्छन्तम् विद्धि वैवस्वत क्षयम्। बस मैं अब जा रहा हूँ, मैं मर रहा हूँ, मैं यमराज के यहाँ जा रहा हूँ, मेरी यात्रा शुरू हो गई है, तुम आज ही इस राज्य को प्राप्त कर लो। जीवितम च ही राज्यम च श्रियम च विपुलाम इमाम प्रजाहम एष वै तूर्णम महाचागरितम यशः। भाई मेरा जो यश है, मेरी जो कीर्ति है, मेरा जो राज्य है, मेरी जो विपुल राज्यश्री है, ये सब अभी से मैं छोड़ रहा हूँ, तुम्हें दे रहा हूँ, और इसके बाद जिसके लिए सारी भूमिका थी वो बात वाली सुग्रीव से कहता है, सुखार्रम सुख समृद्धम बालमेनम अबालिशम वासपूर्ण मुखम पश्य भूमौ पतित अंगदम। हे सुग्रीव, जिसको हमेशा सुखपूर्वक जिसका लालन पालन किया गया है, जिसने कभी दुख नहीं देखे, जिसने सारी सुख समृद्धि देखी है, जो बालक है लेकिन जो मूर्ख नहीं है, देखिए आंसुओं से जिसका चेहरा भरा पड़ा है, इस अंगद को देखो, आज से मम प्राण ही प्रियतरम पुत्रम पुत्रमिव औरसम मयाहीनम अहीनार्थम सर्वतः परिपालय। ये जो मुझे प्राणों से अधिक प्रिय है, मेरे इस पुत्र को अपना औरस पुत्र मान करके, मयाहीनम, ये अपने पिता के बिना लेकिन फिर भी इसको कभी पिता का अभाव महसूस ना हो, इस प्रकार से तुम इसका परिपालन करना। तुमेवास्य ही दाता चा परित्राता चा सर्वदा, तुम्ही इसके दाता परित्राता सब कुछ तुम्ही हो। और इस प्रकार से सुग्रीव से कह के अंगद को भी ये शिक्षा दे करके कि आज से सुग्रीव ही तुम्हारे पिता हैं, तुमको ना किसी के साथ अधिक स्नेह करना है, ना तुम्हें कभी किसी के साथ द्वेष करना है, अत्यंत प्रेम से जैसे तुम्हारे ये पितृतुल्य चाचा कहें उसी प्रकार से तुम्हें व्यवहार करना है। इतना कहते कहते वो वाली जो है, अब उसकी शक्ति संपूर्ण रूप से क्षीण हो गई है, लेकिन फिर भी प्राण जब नहीं निकलते हैं तो वाली जो है वो सुग्रीव से कहता है, इमाम च मालाम आधत्स्व दिव्याम सुग्रीव कांचनी। हे सुग्रीव, मेरे गले में ये जो कांचन हेम माला पड़ी हुई है, इसको तुम ले लो। उदारा श्री स्थिता यस्याम संप्रजया अमृतिमयी। क्योंकि अगर एक बार मैं मर गया और मरे हुए के गले में ये माला रह गई तो ये माला अशुद्ध हो जाएगी, इसकी शक्तियां समाप्त हो जाएंगी। तो इस माला को तुम निकाल लो, इस माला को तुम अपने गले में पहन लो, जिससे इसकी जो शक्तियां हैं वो तुम्हें प्राप्त हो। ये वही माला है संभवतः जिसके संदर्भ में या जिसकी वजह से ये बात प्रचलित हुई कि वाली के पास सामने वाले योद्धा की शक्तियां आ जाया करती,
जैसे जैसे युद्ध बढ़ता जाता वैसे वैसे सामने वाला योद्धा जो है उसके सामने क्षीण शक्ति होने लग जाता। इस प्रकार का जो कथन है इसी माला के संदर्भ में संभवतः रहा होगा, इसलिए बाली ये कहता है इस माला को जल्दी से निकाल लो। और इतना कहने के बाद बाली अपने प्राणों को छोड़ देता है। सुग्रीव ने वो माला बाली के गले में से जैसे ही निकाली है वैसे ही बाली के प्राण निकल गए हैं। आगे की कथा अगले वीडियो में सुनेंगे। मैं हूँ डॉक्टर हरिनिवास और चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। सुनते रहिए रम्या रामायणी कथा सुना रहा हूँ।